आगे बढ़ते हैं, खबर सीकर से है, जहां सीएलसी द्वारा संचालित राजस्थान बोर्ड के स्कूल केवीएम ने 10वीं बोर्ड के परिणाम में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने की श्रृंखला को बरकरार रखा गया। चौधरी ने बताया कि केवीएम के देवी सिंह कविया ने 600 में से 595 यानी कि 99.17% अंक प्राप्त किए, तो वहीं हर्षवर्धन ने 600 में से 593 यानी कि 98.83% अंक प्राप्त करके केवीएम की श्रेष्ठता साबित। इसी क्रम में राहुल ने 98.50, शुभम जांगर ने 98.33% अंक प्राप्त किए। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने केवीएम की श्रेष्ठता साबित की है। केवीएम अकेडमिक हेड जितेंद्र बाजिया ने बताया कि केवीएम का हर दूसरा छात्र 80% से ज्यादा, हर तीसरा छात्र 85% से ज्यादा और हर चौथा छात्र 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वालों की सूची में। टॉपर छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय केवीएम स्कूल के शिक्षक को, अपडेटेड स्टडी मटेरियल और स्कूल प्रबंधन को दिया है। शानदार परिणाम के अवसर पर केवीएम में उत्साह का माहौल रहा और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए प्रसन्नता व्यक्त। आप सब जानते हैं सीएलसी का अपना खुद का स्कूल है केवीएम, जो राजस्थान बोर्ड का राजस्थान के टॉप 3 स्कूल में आता है। इसका प्रमाण है, रिजल्ट आया अभी 12th साइंस का तो हमारे बच्चे ने स्टेट को थर्ड टॉप किया, रिजल्ट आया 12th आर्ट्स का हमारे बच्चे ने स्टेट टॉप किया और आज तो भाई साहब बछड़ बोल गए, तो रिजल्ट हमारा 10th क्लास का आया है। मेरे पास खड़ा देवी सिंह कविया जिसका स्कोर है 99.17, मेरे पास खड़ा हर्षवर्धन का स्कोर है 593, मेरे पास खड़ा राहुल जिसका स्कोर है 598.5%, मेरे पास का शुभम जांगिड 590 और 98.33%, ये चारों बच्चे हुए हैं जिनका स्कोर अबाउ 98% है। रिजल्ट की कुल बात करूं दोस्तों तो 486 बच्चे एग्जाम में बैठे साहब, 80% से ऊपर 244 बच्चा है, यानी हर दूसरा बच्चा 80% पे है।